सब गाते इकबाल गाजी जात मार काम होते बा राम लला के मंदिर बन गए। देखा दुई पहलवान लड़े थे जेकर लहिया अपन लहाए तो बहुत जरूरी है। कांग्रेस भी अपने मन की हो गई, भी चमचे गिरों से घिरे रहते हैं। क्या नाम है चाचा जी? हाँ, रामकरण। लोकसभा का चुनाव है, अच्छा, संसदीय का वोट पड़ने वाला है, अच्छा, किसका माहौल है, किसको वोट देना चाहते हैं? माहौल भैया चुनाव में जाने पता लागत है भाई, माहौल पता ना केकर वोट मिले केकर न मिले। भाजपा से कृपा शंकर सिंह जी आ गए और धनंजय सिंह भी लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं। सब अपन अपन गोटी सेट कर भी नहीं परेशान रहा था, ये गल ही हुई गई। तो क्या लगता है कि आप एक किसान है, भाजपा का सरकार में आपको लाभ मिल रहा है? अरे खूब लाभ मिलत काहे ना मिलत बा, 2000 महीने मिलत बा, हाँ 4 महीने अपना 2 महीने मिल जाता और राशन कार्ड मिले राशन मिले तो खाए भी नहीं भाई, लाभ तो मिल सही जाते। मतलब भाजपा सरकार से आप खुश है? हाँ हाँ खूब खुश है, नाराज है क्या खान ले भाई हम नाराजे रिहा क्यों बोल रहे हैं बात का मतलब हमार की खुश तो बटबई की जिहिंग सरकार रहे वही खुशी का। भाजपा सरकार में विकास हो रहा है आपको लग रहा है? विकास तो तमाम हो तो रोज सब गाते इकबाल गाजी जात मार काम होते बा राम लला के मंदिर बन गए। तब वो हैरान रहे ढेर दिन से आई मौजूद हो गए पैदा हो गए, अब बतावल अब कितना बढ़िया काम हो फ्री बस जात है दर्शन करे भी नहीं नहाए भी नहीं। तो आप भी गए दर्शन करने? ना ही मुँह तक पर रुखाई ना हम जाता है वहाँ हम दर्शन हम दरवाई करी हम डोल के ना करी भाई। वर्तमान सांसद हैं श्याम सिंह यादव जी, ठीक है क्या लग रहा है? 5 साल बीत गया कभी क्षेत्र में आए क्या काम? हमारे ठीक के हुआ तो उतना बहुत बिना हो वोट दे तो 1 रुपये फायदा हमें मिला हुआ ना भैया, तब हमें लगे कि हुआ तो उतना। क्या ग्राम प्रधान के द्वारा भी कुछ सुविधाएं आपको मिलती है? कुछ ना कुछ नहीं तो क्या चाहते हैं इस बार यहाँ से कौन सांसद होना चाहिए जौनपुर से? सब कृपा शंकर सिंह आए हैं वही वही अब के हो जी सर। आपको ऐसा लग रहा है भाजपा जीतेगी यहाँ? हाँ हाँ खूब आराम से, अच्छा कौन दिक्कत ना। और कुछ कहना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर? धनंजय सिंह भी लगातार चेयर भाई सब देखा दुई पहलवान लड़े थे जेकर लहिया अपन लहाए। धनंजय सिंह की विषय में क्या कहना चाहेंगे, वो किस प्रकार भाई के नेता हैं? वो तो अच्छे नेता वो भी है, हाँ वो अच्छे नेता है ना। तो समाजवादी में अभी चल रहा है समाजवादी में धनंजय सिंह को टिकट मिलना चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है मिलना चाहिए? अब देखा नेतन के काम है केका दे ही केका न दे, आपको क्या लग रहा है अगर धनंजय सिंह को समाजवादी से टिकट मिले? हां तो दे दे ठीक है बात है जी, अच्छा मतलब लगता है मिलना चाहिए उनको? हां मिलना चाहिए, जब मिले तब न यहां तो नेता अगवा पछवा कर जाएगा। अभी यूपीपी का पेपर हुआ पुलिस वाला आरओ वाला पुल निरस्त हो जी, लोगों बच्चों ने पेपर दिया और वो निरस्त हो गया। जब गाड़ी के माई गाल ले चला फिर भगावा परीक्षा दें परीक्षा निरस्त हो जाए वो काम मतलब। तो आपको क्या लग रहा है बच्चों के साथ है किस प्रकार का? बच्चों के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है, उम्र दरार हो जा रहे हैं, उम्र बढ़ी जा रही है जी। क्या नौकरी करेंगे? मतलब भाजपा सरकार में आपको रोजगार से समस्या दिख रहा है? रोजगार तो रोजे 2-4 हजार करोड़ मिलत बा भैया, कौन क्या है कहाँ मिलत बाटे हमें पता ही नहीं। हम कतः जाए तो इतना ही आइए चाय चाय पिए। अभी 10 हजार करोड़ का यहाँ जौनपुर में मिला है नितिन गडकरी, अरे तो मिलता ही बात है रोड के लिए। हाँ हाँ भाई रोड बनता ही मिलत बट भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा का नाम है? जगदीश यादव। चुनाव आने वाला है सांसदी वाला, क्या लग रहा है किस पार्टी को वोट देना चाहिए? पार्टी तो सब लगभग बराबर हैं जी, कोई अच्छा खराब नहीं, एक दूसरे के सब चट्टे बट्टे हैं जी जी, जो भी कुछ हो रहा है सही हो रहा है। तो मतलब वर्तमान में अगर भाजपा सरकार है क्या फिर से इन्हीं को बनाया जाए या फिर कुछ बदलाव हो? बदलाव तो बहुत जरूरी है, अच्छा। कांग्रेस भी अपने मन की हो गई देख लिया, बीच में सरकार और बनी वो भी देख लिया गया, परिवर्तन और विपक्ष
दोनों मजबूत रहेगा तो काम होगा। परिवर्तन समय का चक्र है, बदल जाए तो अच्छा है। क्या भाजपा सरकार में आपको क्या ऐसी समस्या दिख रही है जो बदलना चाहिए, जो सुधार करना चाहिए? यहाँ बेरोजगार एकदम चौराहे पर खड़ा है। रोजगार मतलब नहीं है सरकार? नहीं है, केवल छलवा झूठ 400 BC की बात यही सब आ रही है सामने। कुछ यहाँ विकास हुआ जो हमको पहले की अपेक्षा की वैसे ही है? अपेक्षा क्या, हम तो देख रहे हैं हमारे गांव में एक अस्पताल बन रही है जो लगभग होगा 300 करोड़ का एस्टीमेट, और लगभग एक मंजिला तैयार है वो बिना नेतागिरी के ही धनंजय सिंह बनवा रहे हैं, जो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब धनंजय सिंह अपने पैसे से वो अस्पताल बनवा रहे हैं? ना ना, सरकारी पैसा है। अच्छा, वो चाहे जैसे पास कराए हैं। ये कहाँ पे बन रहा है? ये उनके गाँव ठीक पूरा बघेला में। अच्छा, आप वहीं के रहने वाले? हाँ। मतलब आपको क्या लगता है धनंजय सिंह किस प्रकार के नेता है? धनंजय सिंह पर्सनल ऐसा नेता है पूरे जनपद में कोई नहीं है। जी जी। सही तो ये है, लेकिन वो भी चमचे गिरों से घिरे रहते हैं जिससे थोड़ी लोकप्रियता उनकी कम होती है, ये नहीं, उसमें भी सबकी अपेक्षा सबसे बेटर है। तो अगर किसी पार्टी से मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो क्या ऐसा कमी दिख रहा है? अब वो तो पार्टी दे या ना दे, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, जो वोट वो राजनीति करते हैं वोट की, उनका एकदम खुली किताब है। हम विधानसभा रहा हो चाहे कोई भी चुनाव आता है, एक तरफ जौनपुर में अकेले रहते हैं ये खुद सारे जो लगातार 2-3 बार वो चुनाव लड़े, हार गए, फिर भी लगातार लड़ रहे हैं। हाँ, अब उनकी तो ये खेती बाड़ी है भैया ना, क्योंकि राजनीति में जो आ गया तो वही करेगा ना। और लगातार ये भी चल रहा है समाजवादी, उन्हें अगर वोट देती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब समाजवादी पार्टी में भी तो 2 ग्रुप हो गया है, इधर शिवपाल चाह रहे हैं कि हमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, जिताऊ में 3 से बेटर कोई नहीं है पूरे जनपद में, लेकिन अब उसी में कुछ लोगों का विरोध है, ये स्थानीय नेताओं का, स्थानीय नेता है, और हम लोगों को वहाँ दिल्ली लखनऊ क्या मतलब है, लेकिन तेज काम तो यही करता है। मतलब आपको लगता है धनंजय सिंह अगर जौनपुर के लिए बहुत ही अच्छे नेता हैं? एकदम है, उनको टिकट मिलना चाहिए। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे तो अपने जनपद के लिए? वर्तमान में सांसद श्याम सिंह यादव जी हैं, उनके विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं पड़ता है फर्क उसमें, देखिए अब इन्होंने एक डमी कैंडिडेट खड़ा कराया था, मायावती के कैंडिडेट था जी जी, वो 25,000 वोट उनका फिक्स है मायावती जी का, बसपा का जो वोट है चाहे वो कुत्ता लड़े चाहे बिल्ली लड़े, 25,000 वो हर विधानसभा में पाती हैं, और ये लगभग 5 विधानसभा का ये लोकसभा होता है, तो 1,500 वोट ये निर्णायक होता है, ये 1,500 वोट पानी में जाएगा जी जी। अब जिसके पास जितना बल होगा, बुद्धि होगी, विवेक होगा, वो उसी अनुसार लड़ेगा, क्यों चुनाव देखा गया, अभी उस चुनाव हुए थे और चुनाव भी हुआ, लेकिन धनंजय अपने बल पर एक तरफ अकेले एक तरफ अन्य पार्टियाँ, और लड़ाई तो यहाँ दुइये की होती है, चाहे ये क्षेत्र हो चाहे मछली शहर वाला हो, सही यही है। मतलब आप क्या चाहते हैं यहाँ से कौन जीतना चाहिए इसको? अब जितने लायक, अब तो पिछली बार सांसद हुए वो SDM भी थे, पढ़े लिखे थे, ये तो था नहीं कि एक पैसा वाला या उद्योगपति थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन काम पे नाम पर कुछ नहीं किया, काम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। तो क्या इस प्रकार का नेता फिर चुनना चाहिए? नहीं नहीं चुनना, एकदम ये तो भूल है, हम लोगों को बाहर निकालना चाहिए, चुनना चाहिए, एकदम गलत है ये सब। पढ़े लिखे हैं ठीक है, अपना पेट पाले होंगे, अपना भरे होंगे जेबा, 5 साल वो आके बेकार कर दिए, चेहरा नहीं दिखाए, गांव में नहीं गए, जबकि वोट हम लोग उन्हीं को दिए थे, क्योंकि जैसे परिस्थिति बनती है उस अनुसार से किया जाता है वोटिंग।
इस बार चाह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। बदलाव हो।